कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि प्लान या प्लानिंग किसको बोलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, ए प्लान इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लान क्या है, जो फ्यूचर में आप काम करेंगे उसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग किए हुए ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन कैन प्रोड्यूस नथिंग। कोई भी मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि प्लान नहीं बनाएंगे। जैसे अगर आपको कितना नंबर लाना है, अगर ये प्लान नहीं बनाएंगे तो कोई नंबर आएगा, जो भी आएगा सो आ जाएगा, बट जो आप फिक्स करना चाहते हैं वो आएगा क्या? नहीं आएगा। इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ द फ्यूचर सिचुएशन। ये किसके ऊपर, ये जो प्लान है वो बेस होता है कहां पर, फ्यूचर में जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि भविष्य में हमारा क्या क्या एस्टिमेट करना है। जैसे अभी आप मान लीजिए आपने 1% सोच लिया, तो उस परसेंटेज को कैसे अचीव करेंगे, ये तो आपको फ्यूचर में बेस लेना पड़ेगा ना, क्या क्या करना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंड द सक्सेस ऑफ प्लान, और जो प्लान आपका सक्सेस करेगा ही करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइज ऑन द मैनेजर एबिलिटी। ये मैनेजर का एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर सिचुएशन करेक्टली एंड एक्यूरेटली, अगर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ये अगर आप एक्यूरेट समझ लिए तो आपका जो प्लान है वो 100% सक्सेस करेगा, अदरवाइज 100% सक्सेस नहीं करेगा। देखेंगे यहां पर प्लान का एक डिफिनेशन दिया है, किसने दिया है, अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज, अभी आपने क्या किया था, डिसाइड किया था ना, द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग अदर टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो आप पहले से गोल यानी जो आपने टारगेट फिक्स किया है उसी को हम लोग अचीव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज बाय प्लानिंग दैट द मैनेजर ऑफ ए कंपनी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। जब आप प्लान बना लेते हैं कि कितने का आप सेल्स करेंगे, जैसे अगर आपने प्लान बना लिया कि 90% प्लस लाना है, तो देखेंगे जैसे मैनेजर क्या कर रहा है, इट इज बाय प्लानिंग दैट द मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, एंड व्हेन इज टू बी डन, कब करेंगे, ये आपको भी सोचना है। तो प्लान तो सारे लोग बनाते हैं, तरह तरह के प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाकर सिर्फ छोड़ नहीं देते हैं, आप छोड़ सकते हैं लेकिन बिजनेसमैन छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो उसका सारा कुछ फ्यूचर में जितना एस्टिमेट किया है सब कुछ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। एंड हु इज टू बी डू इट, एंड कौन इसको करेगा। तो देखेंगे मैनेजर क्या क्या सोचता है कि जो प्लान बनाया उसको कैसे अचीव करेगा, उसके लिए व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना चाहिए, व्हेन इज टू बी डन, कब करना चाहिए, एंड हु इज टू डू इट, और कौन करेगा, कौन करेगा। तो उस कंसर्न में जो लोग लोअर लेवल में हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर्स, वो करेंगे। तो आगे लिख रहा है, डिसीजन मेकिंग इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। जब आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि कैसे करना है, तो वहीं पर प्लानिंग का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे लिख रहा है, दस प्लानिंग मींस, जो प्लान का मतलब क्या हुआ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्ट में ये लाइन को आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दस प्लानिंग मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट सेट किए थे ना, इसी तरह से बिजनेसमैन ऑब्जेक्ट सेट करता है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम फिक्स रहता है। आप जब मार्क्स के लिए प्लानिंग किए थे तो उसका भी टाइम फिक्स करेंगे ना कि एग्जाम का डेट, प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है। उसी तरह से बिजनेसमैन क्या करता है, अकाउंटिंग ईयर जब एंड होगा तब तक का टाइमिंग फिक्स करता है, फिर क्या करता है,
formulating various courses of action. साथ ही साथ फॉर्मुलेट करता है वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आप देख रहे थे, कब करना है, कैसे करना है, टू अचीव देम. एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट possible alternative to perform the different managerial functions. Means concept में आप लिख सकते हैं कि planning means setting object फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसको फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम. जो आपने गोल अचीव किया है उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे. एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, एक यहां वर्ड आ गया, सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. अब जैसे देखो, मान लीजिए आपने 90% प्लस ऑब्जेक्ट किया, ठीक है ना, तो आपको यह देखना पड़ेगा ना कि आप सुबह में पढ़ेंगे कि शाम में पढ़ेंगे कि कब पढ़ेंगे, तो टाइम तो आपको अलग अलग है. उसी तरह से बिजनेसमैन भी सेलेक्ट कर लेता है द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स कि इसको कैसे पूरा किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने सोचा 200 टन प्रोडक्शन करेंगे, बट उसने देखा कि प्रोडक्शन करते करते उसको पता चला कि 200 टन हम अचीव नहीं कर सकते हैं. तो अल्टरनेटिव, जो एक पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकता है, वो क्या हो सकता है, सेम टाइप के बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट करेंगे हम लोग और उससे हम लोग परचेज करके अपना टारगेट क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, हुआ ना. इसी को क्या बोलता था, अल्टरनेटिव. ओके, तो ये था जी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग.